हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अलिश्वा सैयद ऑफिशियल। तो आज हम बना रहे हैं क्रिसमस गिफ्ट। घर पे रखे वेस्ट मटेरियल यूज़ करके फिर डेकोरेट कर रहे हैं, तो लेट्स सी ये कैसा बनता है। इसको पकड़ो एंड अलिश्वा इज़ आल्सो सुपर एक्साइटेड। फॉर हर फर्स्ट क्रिसमस। ये तो कोई आ गया है अलिश्वा के घर, आई थिंक सेंटा। नो दीदी आ गए, हाँ जल्दी आ गए आप। मैडम चली गई ना, वो ओके 31 को आएंगे। इतना चली गई, 4-5 दिन के लिए है। ठीक तो फ्रेंड्स, हमने गिफ्ट बॉक्स रेडी कर लिया है ना। रुक, दिखाना, शो मी। तो काफ़ी मुश्किल के बाद गिफ्ट पैक रेडी कर लिया हमने यूज्ड मटेरियल यूज़ करके। ये काफ़ी एजेस इसके क्वालिटी है, इसलिए इसमें काफ़ी टाइम लगा है इसको बनाने में, और ये बहुत प्यारा सा बन गया है। अब हम इसमें गिफ्ट पैक करेंगे अलिश्वा का, और उससे सीक्रेट सेंटा बन के गिफ्ट करेंगे। एज यू नो कि अलिश्वा का ये पहला क्रिसमस है, तो वी हैव 2 ड्रेसेस। हम उसे ड्रेस गिफ्ट कर रहे हैं, तो हम उसे ये सब हटा देते हैं। तो हम उसे ड्रेस गिफ्ट कर रहे हैं, तो हमने चूज़ किया है उसके लिए एक ये रेड कलर का है, और देन ये दिखा मैं पर इसे खोल के डालो अंदर। तो हम इसके लिए फुल जल्दी से ये गिफ्ट पैक कर देते हैं इसमें, और जल्दी से करो। तो ठीक है, आलिश पकड़ के, और एक स्वेटर है, गिफ्ट इज रेडी। अब हम चलते हैं अलिश्वा के पास, और उसके पास चुपचाप से ये गिफ्ट रख देते हैं, देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होता है। बस देखते हैं अलिश्वा क्या कर रही है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत प्यार से सो रही है। ऐसे उठा, सिक्के सेंटा ने गिफ्ट दिया अलिश्वा को, ये अरे कोई तो मैंने गिफ्ट दिखाया अलिश्वा का। अब अलिश्वा का रिएक्शन देखते हैं। ओह माय गॉड, ये तो उठना चाह रही है, उठना चाह रही है, पर ये अभी उठना सीखी नहीं है, तो इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। अलिश्वा आ जा, आ जा, आ जा, आ जा। ओ ओ ओ, ओ, ओ जा जा जा। अलिश्वा उठ गई है, और ये रहा अलिश्वा का गिफ्ट जो सीखे से खुद से निकाल रही है। चले चले अलिश्वा, फोटो फोटो शंटा 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 लिटिल शंटा। ओ लिटिल शंटा रेडी हो गया, ये सब खड़ा करो। हाँ चलना सीख गए। वाह ये अलिश्वा, अलिश्वा। और अब हम सब रेडी हो गए हैं, अलिश्वा भी रेडी हो चुकी है, तो अब हम कहीं जा रहे हैं क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए। तो स्टे ट्यून, और देखिए हम कहाँ जाते हैं। तो अब हम अपनी गाड़ी
की तरफ पहुंच चुके हैं और आराम से बैठ रहे हैं। तुम आगे बैठ रही हो क्या? नहीं नहीं, और अनिशा ऑलरेडी बैठ चुकी हैं। वेयर इज शी? ओहो, अरे बाबा चलेगी नहीं, थोड़ी देर में रुक जाएगी। अरे ब्लूटूथ कनेक्ट कर लो, नहीं चलेगी इसमें। चलती 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 हम बता रहे हैं। वेयर इज गोइंग अलिश्मा? हम अब मॉल की पार्किंग में पहुंच चुके हैं और हम यहाँ लिफ्ट यूज़ करके ऊपर जाएंगे क्योंकि हमारे पास अलिश्बा का स्ट्रॉलर है। तो अलिश्बा कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? तो बहुत गोरी लग रही है, बिल्कुल सेंटा लग रही हूँ। लिफ्ट से बाहर आते ही हमें यहाँ पे बहुत सारे डायनासोर दिखे, सब अलग अलग टाइप के डायनासोर्स हैं और ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इस मॉल का और सारी गैदरिंग इसी के आसपास हमें दिख रही है। अभी यहाँ पर बहुत सारे टाइप के डायनासोर हैं, मैं आपको एक एक करके सारे दिखाती हूँ। सब अलग अलग टाइप के हैं और ये हिल भी रहे हैं जो कि बहुत ही डरावने लग रहे हैं मुझे तो। ये दो बहुत ही बड़े डायनासोर हैं, ये कर्नियोरस हर्नियोरस दोनों टाइप के हैं और मैं इनका शूट करूँगी फर्स्ट फ्लोर पे जाके। और आप देखते रहिए, ये बहुत ही बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि दो तीन फ्लोर कवर कर रहे हैं। ये डायनासोर्स बीच बीच में डरावनी आवाज़ भी निकाल रहे हैं अलग अलग टाइप की, आप वीडियो में सुन पा रहे होंगे। इस मॉल में इन्होंने डायनासोर्स के साथ पूरा अच्छा खासा जंगल भी लगाया हुआ है, वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं इसमें तो ये काफ़ी अच्छा सा है और काफ़ी क्लीन टाइप से इन्होंने यहाँ पे डेकोरेट किया हुआ है। यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है तो मैं इन दोनों बड़े डायनासोर को बाद में कवर करूँगी, इससे पहले मैं एक राउंड ले लेती हूँ इस मॉल का। यहाँ पे क्रिसमस ट्री भी है, सेंटा भी है, स्नोमैन भी है, तो सारा कुछ देख लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर से आऊँगी डायनासोर के पास। और यहाँ पर बच्चों के लिए काफ़ी सारी फ़न एक्टिविटीज़ हैं, टॉय ट्रेन हैं, झूले हैं,
तो आप देखते रहिए, काफ़ी कलरफुल मॉल है ये। बेबी बेबीज को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये छोटा बच्चा लिश्वा को देखने आया था पास से। अभी जैसे कि हम अलिश्वा को फ्रिक्वेंटली बाहर ला रहे हैं, तो वो भी थोड़ी यूज्ड टू हो गई है और इन्जॉय करने लगी है, जैसे कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ पर थोड़ी सी लालची हो गई और मैंने सोचा कि मैं लगे हाथ कैमरा भी ले लेती हूँ अपने ब्लॉगिंग के लिए, पर अंदर जाने के बाद कुछ और ही दिखा मुझे। चलिए देखते हैं क्या होता है। जो कैमरा मुझे यहाँ पसंद आ रहा था वो 60,000 प्लस में था, तो वो मुझे दिलाया नहीं गया। तो लेट्स सी, जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो मैं पक्का यहाँ से आके कैमरा लेकर जाऊँगी। तो अलिश्वा को भी गुस्सा आने लगा है क्योंकि हम सब भूखे हो गए हैं, तो अब हम पहले जाके डिनर करेंगे, फिर हम जाएंगे डायनासोर के पास, वो दोनों बड़े वाले डायनासोर जो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे थे। तो हम कोई अच्छा सा प्लेस ढूंढते हैं डिनर के लिए। हम यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं और अब अपने लिए डिनर का कुछ ढूंढते हैं। आज हमने डिसाइड किया कि हम कुछ साउथ इंडियन खाएंगे और इसके लिए हम आ गए हैं सागर रत्ना, और यहाँ पर बहुत लंबी वेटिंग चल रही है। हमें बताया गया कि हाफ एन आवर बाद हमारा नंबर आएगा, तो वी आर वेटिंग फॉर आवर टर्न। फाइनली हमें यहाँ पर सीट मिल गई और हमने अपना डिनर स्टार्ट कर दिया। ऑर्डर के अराउंड हाफ एन आवर बाद हमें ऑर्डर रिसीव हुआ, और वो भी आधा अधूरा। और आप जैसे देख रहे हैं कि अलिश्वा भी बहुत भूखी हो गई है और वो भी डोसा खाने लग गई है हमारे साथ। पर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे साथ बहुत बुरा हुआ और हमें यहाँ पे आधा अधूरा ऑर्डर खा के ही उठना पड़ा, क्योंकि ये ऑर्डर सर्व भी नहीं कर पा रहे थे और जो भी सर्व कर रहे थे वो हाफ कुक था या कुछ इनका उनका ऑर्डर मिक्स किए जा रहे थे। तो हम फाइनली बिल करके बाहर आ गए। ऊपर
चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे ना। यहाँ पर ताज शो भी चल रहा है तो मुझे कुछ पता नहीं क्योंकि हमने इस पे इंटरेस्ट नहीं लिया। यहाँ पे 3 शोज चल रहे हैं जैसा कि मुझे पता चला और उनके क्या टिकट विकेट का है वो वी डोंट नो। तो अब हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे वो जो 2 डायनासोर रह गए थे उन्हें देखने के लिए पास से। तो फ्रेंड्स चलिए फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं। ये हम आ गए फर्स्ट फ्लोर पे लिफ्ट से, लिफ्ट के बाहर आकर हम चलते हैं देखते हैं। पता है तब ये हिल रहे थे, अब ये हिल नहीं रहे ना। कहाँ अब नहीं हिल रहे ना। बड़ा वाला ये पूरी गर्दन हिला रहा था ये। हाँ ये वाला मोटा वाला, हाँ ये गर्दन और पूछ सब हिला रहा था, अब नहीं हिला रहा। इन्हें दूर जाके शूट करना पड़ेगा मुझे क्योंकि इतने बड़े हैं कि ये कैमरा में आ ही नहीं पा रहे हैं। तो मैं इन्हें दूर से जाके देख रही हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये रिस्पेक्टिवली कितने बड़े हैं डायनासोर। इन्होंने कितने ऊंचे और बड़े डायनासोर बना रखे हैं, बहुत अच्छे और बहुत मेहनत से बनाए गए होंगे ये। इधर अब दो, इधर देखिए जिधर मैं। तो फ्रेंड्स ये आज का हमारा सेलिब्रेशन रहा क्रिसमस ईव का और नाउ वी आर गोइंग बैक टू होम। तो अब हम अपनी कार की तरफ बढ़ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और ढेर सारा कमेंट्स करिए और बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए इस न्यू ईयर पे और क्रिसमस पे अलिशबा को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Merry Christmas to all!